हेलो दोस्तों, वेलकम यू अगेन। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको इन साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये साइट्स हैं जो आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा, ये बहुत काम की साइट्स हैं। आप लोग हो सकता है कि इसमें से कुछ साइट्स हैं वो यूज़ करते हो, पहले से यूज़ करते हैं, हो सकता है कुछ एक आध का आपको पता ना हो। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये जो मेरा वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस साइट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो है investing.com। ठीक है दोस्तों, ये साइट investing.com, जो इसमें सबसे अच्छी चीज है दोस्तों वो है इसका चार्टिंग प्लेटफॉर्म, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इसको जैसे जब हम खोलेंगे तो इस तरह का पेज आता है दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ, ये investing.com है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने चार्ट लगाया, ये NSE इंडिया का निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, और इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, आप तकरीबन सारे फ्री इंडिकेटर्स आपको इसमें मिल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये इंडिकेटर्स की लिस्ट है दोस्तों। ठीक है, और उसमें उसके बाद इसमें क्या है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, ओरिजेंटल लाइन, ठीक है, ये डाल सकते हैं। जैसे ट्रेंड एंगल, आपको अगर गैन फैन लगाना है तो सबसे बढ़िया ये तरीका है, यहाँ से आप अगर कोई भी एंगल बनाना चाहे, जैसे 45 का एंगल बनाना चाहे तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा ये देखिए, यहाँ पे पिच फॉर्क, और उसके बाद ये देखिए पिच फैन, गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर, गैन फैन, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर दे रखे हैं दोस्तों इसमें, ये चार्टिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसके बाद रेक्टेंगल, जैसे आपने अगर बाय चांस जैसे अगर ड्रॉ करना है स्पोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से टाइम फ्रेम ले सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने 15 मिनट का सिलेक्ट कर रखा है, आप एक दिन का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके वीकली या मंथली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये टेक्स्ट के लिए है, एरो के लिए। ठीक है, और ये आपका जैसे ABCD पैटर्न बनाना है, ये आपके पैटर्न्स हैं, इलियट वेव है उसके लिए है। तो बहुत ही अच्छी साइट है दोस्तों, आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इस साइट में क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीनर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है दोस्तों। इसमें आप रेशियो के बेस पे प्राइस, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, फंडामेंटल, डिविडेंड्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, उसके हिसाब से अपना क्राइटेरिया लगा के और उस हिसाब से अपने स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप जो NSE के शेयर हैं उसका जो टेक्निकल व्यू भी देख सकते हैं कि उसका भी क्या देर का स्ट्रॉन्ग बाय है। जैसे इसमें सन फार्मा में हावरली का न्यूट्रल देर का, ये आपका 15 मिनट के बेस पे दे रखा है, हावरली के, डेली के, वीकली के और मंथली बेस पे दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसमें ये चीज देख सकते हैं। दूसरा और एक चीज आप है इस साइट में कर सकते हैं, टेक्निकल्स में गए, इसमें आप मूविंग एवरेज वगैरह, पिवोट पॉइंट है, मूविंग एवरेज है, वो चीज भी देख सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आ गए, अगर आप इसी तरह से शेयर का इंडियंस जो शेयर हैं उनका निकाल के देखेंगे तो वो भी आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, और ये बाकी अगर आप करेंसी में काम करते हैं तो भी आ जाता है, तो भी इसमें आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस साइट का यूज़ कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी साइट है। अभी दूसरी दूसरी जो साइट है वो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये साइट है मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल की साइट है, moneycontrol.com। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी साइट है, ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि आप सुबह एक बार मार्केट खुलने से पहले इसमें जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में देख सकते हैं, और कोई न्यूज़ वगैरह है उसका पढ़ सकते हैं। जनरली क्या है, इसमें रिजल्ट्स वगैरह के बारे में बताते रहते हैं, और यहाँ से आप प्राइस वगैरह देख सकते हैं। और इसके अंदर अगर जो भी दूसरे ट्रेडर्स हैं उन्होंने अगर कोई न्यूज़ डाल रखी है या कोई उससे रिलेटेड चीज़, स्टॉक से रिलेटेड चीज़ डाल रखी, तो वो भी आप जाके उसके फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनरली है मनी कंट्रोल कंट्रोल इंडिया डॉट कॉम को, तो मनी कंट्रोल डॉट कॉम को तो जनरली सभी लोग जानते ही हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आते रहते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप एक बार इसको सुबह मार्केट खुलने से पहले इस साइट को खोल के देख सकते हैं। तीसरी जो दोस्तों साइट है वो है screener.in। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, सबसे अच्छा है कि ये स्क्रीनर है, फंडामेंटल अगर आपने कोई शेयर चूज करना है तो आप इस स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे डेप्ट प्री कंपनी सर्च करनी है तो डेप्ट प्री लिखा और यहाँ पे सर्च कर दिया। ठीक है, तो उसकी लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। आप इसमें जैसे स्ट्रॉन्ग आरओई, डेप्ट फ्री इस तरह का वो डालना चाहे तो डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको भी यूज करके देखिए, अगर आपने कोई जैसे इसमें लॉस टू प्रॉफिट आया है तो उस तरह कंपनी आ जाएंगी। ये इसमें यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जो लास्ट है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मार्केट एटीपी। ठीक है, ये साइट क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, अनाउंसमेंट आती रहती है। अगर आप इसमें वॉच लिस्ट में कोई शेयर डाल रहे हैं अपना तो यहाँ पे अनाउंसमेंट आती रहती है। जनरली क्या है कि अभी मैं इस साइट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी दिन पहले ही यूज़ किया था, तो आज जब मैं वीडियो बनाने लगा तो मेरे दिमाग में ये साइट आई कि इसका भी एक बार मैं आपको बता दूं। इसमें आप यहाँ पे अपना जो स्टॉक है उसके लिए अलर्ट डाल सकते हैं, इसके अलावा भी इसमें अलर्ट आ सकते हैं, प्राइस का अलर्ट डाल सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से इस साइट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और अभी मैंने हाल फिलहाल इस साइट का यूज़ नहीं किया है। लेकिन आप इस साइट का यूज़ करके देखिए। इसमें प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों मेरे साथ, कि इसमें काफ़ी सारे अनाउंसमेंट आते रहते थे, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जाती थी। इस वजह से मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था। लेकिन आप एक बार इस साइट का यूज़ ज़रूर करके देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छी साइट है। लाइव मार्केट में ही काफ़ी अलर्ट्स आते रहते हैं, तो आप इस साइट का यूज़ करके देखिए। इसके अलावा दोस्तों जो नए बिगनर्स हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो कोई चैनल, अच्छा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कुछ सीखने को मिले, ऐसे चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो है आपके जरूर काम आएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक्स कीजिए, और किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।